हम 3 बार ओम कार उच्चारण करते हैं। स्टेयरिंग करते हो तो आपको दिखाई देगा। हाँ, दिखाई दे रहा है क्यों? पेज संख्या भाषिक विस्तारम है ना, भाषिक विस्तार दिखाई दे रहा है। अब मेरी साउंड आ रही है ठीक से? हाँ बोलो, माइक यस मैम। ओपन किया करो और बोल दिया करो। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे आपको मालूम ही है कि निषेधार्थ में अलम के योग में तृतीया विभक्ति प्रयुक्त होती है, ये आपको मालूम है ना सबको? ठीक यस है, तो मैम। अलम स्वच्छंद प्रतापेन, स्वच्छंद प्रतापेन मतलब है ज्यादा हुआ, अनाप सनाम मत बोलो, से बोलते ना स्वने खुले खुला कुछ भी बोलना, व्यर्थ व्यर्थ मत बोलो, उसको बोलते हैं स्वच्छंद प्रलापेन, अलम स्वच्छंद प्रलापेन। फिर अलम विवादेन, ये तो आपने खूब पढ़ा है ना, झगड़ा मत करो। अलम प्रमादेन, आलस्य मत करो। ठीक है, प्रमाद माने आलस्यन, आलस्यन कहते हैं। और प्रमाद योगी का विभक्ति कुछ मालूम है? प्रमाद शब्द आने पर भी कौन सी युक्ति होती है? तृतीया प्रमाद तृतीया नहीं, कोई चीज छोड़ना है ना तो कौन सी युक्ति है? तृतीया नहीं होगी, ये तो पंचमी अलम के योग में तृतीया है। पंचमी पंचमी। हाँ, पंचमी होती है। ठीक है, यहाँ तो अलम शब्द लगने से तृतीया ही है, केवल प्रमाद शब्द होता किसी से, जैसे पठनात् प्रमादम मत करो, पढ़ने से आलस्य मत करो। ठीक है, हाँ, ऐसे लेखनाथ गायनाथ कुछ भी बोल सकते हैं, क्रीडनाथ है ना, अलम कोलाहलेन, ये भी आपने खूब पढ़ा है, अलम कोलाहलेन शोर मत करो, अलम झगड़ा मत करो, अलम प्रमादेन आलस्य मत करो। अब और कोई बोल सकता है अलम के योग में? हरीश बोलो, और बोलो इस शब्द, हरीश यस मैम। बोलो, अलम लगा के शब्द बोलो, अलम बनाओ। कोई भी बोले, सोचो, भूल रहे हो क्या? अलम चिंतया, अलम किरणेन है ना, क्या अलम अलम के लिए कुछ पटनेम भी बोलो, पठने ठीक है ना, कर सकते हैं, पठने भी गलत नहीं है, कहीं वो बहुत ज्यादा किताबी कीड़ा थोड़ी बनना है, समय पर पढ़ना, समय पर खेलना, और बनाओ। ठीक है, अलम पठने और बोलो। नहीं आ रहा दिमाग में, मैम। और बोलो। अलम क्रीड़केन क्रीडकेन, खिलौने से मत खेलो। ठीक है, क्रीडकेन मतलब होता है खिलौना, क्रीडनकम, क्रीडनकम मतलब खिलौना होता है ना। धावतेन धावनेन, हाँ धावने। धावनेन, ठीक है, भागो मत। ठीक, गुड। अब आगे, पर्याप्त अर्थ में भी अलम का प्रयोग होता है, जिसमें चतुर्थी विभक्ति आती है, आपको पता ही है। ठीक है, इसको हम पर्याप्त भी बोलते हैं, समर्थ भी बोलते हैं। पर्याप्त तो और समर्थ के अर्थ में भी अलम आता है, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो उसकी पहचान है कि जिससे भी हमें पर्याप्त तो दिखाना होगा, उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे भीमः दुर्योधनाय अलम, भीम दुर्योधन के लिए पर्याप्त है। अर्जुनः कर्णाय अलम, अर्जुन कर्ण के लिए पर्याप्त है।
रामः रावणायनम्, राम रावण के लिए पर्याप्त है। इदम् दुग्धम् मह्यम् अलम्, यह दूध मेरे लिए पर्याप्त है। तो आप देख रहे हो कि पहले प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग हुआ है, फिर चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है, फिर अलम लगा है। ठीक है, अलम तो हम आगे पीछे कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है, शब्दों को, इसमें कोई शब्द का वो नहीं है, पर इसमें प्रथमा व्यक्ति भी जरूर आएगी, चतुर्थी आएगी तो प्रथमा भी आएगी, है ना। जिसके लिए हम पर्याप्त हैं वो शब्द भी डालना पड़ेगा। तो ऐसे ही बनाओ, बनाओ अलम के लिए सेंटेंस, कौन किसके लिए पर्याप्त है, आप बनाओ, खुद से बनाओ। रामा बना, कृष्णः कंसाय अलम्। वेरी गुड, कंसाय अलम्। और बोलो, सृष्टि, संयोजा, शिक्षक छात्राय अलम्। ऐसा नहीं, वेरी गुड, शाबाश। और बोलो, देखो रामा हरीश बोल दिए, और बोलो, जितना बोलोगे ना उतना आपका दिमाग चलेगा, गलत ही तो होगा पर बोलना चाहिए। सृष्टि, यस मैम। कौन किसके लिए पर्याप्त है, आप अपने आप से भी बना सकते हो ना। कृष्णः कंसाय अलम्। हाँ, तू सुनी नहीं है अभी, रामा ने बोला ना ये सेंटेंस, सुनी थी नहीं, बात पहुंच गई है। मैम शिक्षकः छात्राय अलम्। वेरी गुड, शाबाश, सुनाओ, बोल रही है, अपना बनाओ। स्वयमेव रचयत वाक्यम् अलम् परेण। सुना नहीं तूने, यही बोले थे, और वो कोई बात नहीं, आज आपने सोचा है, लेकिन आप और भी बोल सकते हैं। प्रश्न सिंह हिरण्य अलम्। सिंह हिरण्य अलम्। ईश्वरः संसाराय, ईश्वरः संसाराय अलम्। संसाराय अलम्। मैम नृपः शत्रु, शत्रु का चतुर्थी क्या होगा? मैम शत्रु का चतुर्थी विभक्ति क्या होगा? नृपः प्रजाय अलम्। शत्रु, शत्रु, शत्रु भी अलम्। नहीं, शत्रु वे, हाँ तो शत्रुवे, शत्रुवे नहीं बोलो, शत्रुवे अलम्। नमः अलम्। अलम्, हाँ। और सुनो, जिसकी चतुर्थी नहीं आए आप उसको बहुवचन में भी कर सकते हैं, जैसे शत्रु तो बहुवचन में हो सकता है, लेकिन रावण बहुवचन में नहीं हो सकता, रावण, कंस, कर्ण, दुर्योधन नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे पांडवा कौरवे अलम, ठीक है, अर्जुन कर्णाय अलम्। अर्जुन अर्जुन कर्णाय अलम्। हाँ ये दिया हुआ है, देखो है ना, दिया हुआ है। चलो आ गया, ये तो आ गया आपका। वाच्य के तीन भेद हैं, है ना, वाच्य आप वॉइस कहते हैं इसे, तो उसमें आपको कृतिवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ऐसे ही समझ लो, ये आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन आप जब पाठ पढ़ते हैं तब इनका प्रयोग होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो कर्तृवाच्य होता है उसमें कर्ता की प्रधानता होती है, यानी कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीया विभक्ति और क्रिया कर्ता पद के पुरुष और वचन के अनुसार होती है। जैसे एग्जाम्पल ये दिया है,
रावः तृतीय हो गई, पाठम द्वितीय हो गई और पठति रावः के पुरुष और वचन के अनुसार आया है। राम किस पुरुष में आएगा बताओ? रावः मध्यम किस में आएगा? प्रथम में आता है, प्रथम लेकिन जब कृतिवाचक बनाना होता है तो क्या ध्यान रखना पड़ता है? उसमें में प्रधानता होती है तो कर्म पद जो होता है वो तो प्रथमावती होता है, जैसे ये देख रहे हो आप, ठीक है। यहाँ पे द्वितीय व्यक्ति में था और कर्मवाच्य में प्रथम व्यक्ति में आ गया, प्रथम व्यक्ति में था वो द्वितीय में आ गया। देखो रामेण लिखा हुआ है और क्रिया जो है कर्ता में कर्त पद के अनुसार आती थी, यहाँ पर क्रिया कर्म के पुरुष वचन के अनुसार आएगी। यानी ये जो पाठव शब्द क्या है ना, ये प्रथम व्यक्ति में आ चुका है तो इसकी के अनुसार आएगी। जैसे पाठ एक वचन है और पुरुष आप तो किस में आएगा? तो पुरुष तो प्रथम पुरुष में ही आएगा। ये तो पठ्यते, इसमें क्या है आपने पद की धातु आती है, आपने पद की धातु में य लगा देते हैं। जैसे प्रश्न पद की जो धातु होती है उसमें य लगा देते हैं, जैसे पठती पठता पठंती तो इसमें पठ्यते पठियते पठ्यंते। आपने पद की क्रिया जब हमको बनानी हो इसकी तो इस तरह से बना देते हैं, ठीक है। होती नहीं है आपने पद जो क्रिया धातु होती है उसमें पठ धातु नहीं होती है, लेकिन यदि हमें वाच्य में बनाना है का आगम करना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे देखो हसती का हस्यते, देख रहे हो, क्रीडती का क्रीड्यते, लिखती का लिख्यते, समझ रहे हो कुछ कुछ? धाव्यते, yes, ma'am. कर्मवाच्य और भाववाच्य में क्रिया इसी तरह से आती है, ठीक है। कर्मवाच्य और भाववाच्य, मेरा कर्सर देख लो, ये कर्मवाच्य है और ये भाववाच्य है, क्रिया एक सी आती है, एक ही रूप में आत्म पद में रूप में आती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किया रामेण, पाठम का किया पाठः, पठति का किया पठ्यते। तो जिस वचन में ये होगा उसी वचन में कर्मवाच्य में लिखा जाएगा, ठीक है। और कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है, लेकिन ये अकर्मक क्रिया है। एक आपने पढ़ा होगा हिंदी में दो प्रकार की क्रिया होती है, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक मीन्स जिसमें कर्म है, जैसे मैं फल को खाता हूं जिसमें को आना चाहिए, ठीक है, और मैं फल खाता हूँ वो भाववाच्य में आ जाएगा, समझ में आया, उसमें कर्म नहीं है इसलिए वो अकर्मक क्रिया है, समझ में आ रहा है। अकर्मक और सकर्मक समझ में आया, जो कर्मवाच्य होता है वो सकर्मक क्रिया होती है और जो भाववाच्य होता है वो अकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। मैं एक वाक्य बोल रही हूँ, बाल का कृतिवाच्य बोल रही हूँ, ध्यान रखना, बाल कह फलम खादती, और देखो खादती के लिए लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान देना। तो कौन बोलेगा उसको कर्मवाच्य में? एक एग्जांपल दिया हुआ है, बाल कह फलम खादती, फलेन बाल कह खादते, जैसे बोलना फलेन बाल कह खादते, मैम बालकेन फलम फलह खाद्यते, फल का फल नपुंसकलिंग होता है ना, फलम नपुंसकलिंग में आपको मालूम है प्रथमा द्वितीया एक सी ही आती है ना, एक सा ही होता है इसलिए वो फलम ही रहेगा। बालकेन फलम खाद्यते, ठीक है, यदि फलानी होता तो खाद्यन्ते, जो वचन होगा उसी वचन की क्रिया रहेगी। इससे पहले किसने बोला था? राम किंजल, किंजल 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 गलत कर दिया, फल फल के द्वारा राम नहीं खाया जा रहा है ना, राम मतलब बालक के द्वारा फल खाया जा रहा है,
के द्वारा आपने क्या बोला, फलेन बालकः खादते, ऐसे ही बोला था ना, तो आपने बोल दिया फल के द्वारा राम खाया जा रहा है, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही बोलना है। मैंने बोला था बालकः फलम खादति, तो आपको बोलना है बालक प्रथम व्यक्ति है ना, उसको तृतीय व्यक्ति बनाना है, बालकेन फलम का वही रहेगा क्योंकि तो द्वितीय व्यक्ति भी वही होती है, मतलब प्रथम द्वितीय एक सही होता है, फलम खाद्यते। और बोलो, और जैसे छाता, ठीक है, छात्र, बोलो, हेलो, बोलो क्या बोल रहे हो? मैम कुछ नहीं। छात्र पुस्तकानि पठन्ति, जिस वचन में होगा उसी वचन में बदलना है, छात्र पुस्तकानि पठन्ति, कौन बोलेगा? संयुजा, संयुजा है कि नहीं? संयुजा है, संयुजा मैम मैं बोलूं? अभी अभी चलो बोलो, संयुजा मैंने बोला है, कहाँ है संयुजा? माइक ओपन करो अपना। हाँ बोलो, हाँ छात्रः पुस्तकानि पठन्ति, चलो हरि साहब बोलो, छात्रैः पुस्तकानि पठ्यन्ते। हाँ वेरी गुड, छात्रः पुस्तकानि पठ्यन्ते। Your voice is not clear. अच्छा, छात्र देखो उसने हरीश की आवाज आ रही है तुमको? हरीश तो बोल रहे हैं। Yes, ma'am. छात्र ही, छात्र ही देखो, छात्र तृतीय व्यक्ति होता है, छात्र ही सही बोला उसने, छात्र ही पुस्तकानि, प्रथम व्यक्ति भी वही रहता है ना, पुस्तकानि और पठ्यन्ते। हरीश आपने पठ्यन्ते बोला था? यस मैम पठ्यन्ते, पठ्यन्ते ठीक है। और भी मैं बोलती हूँ, त्वम ठीक है, चित्रम पश्यसि, कौन बोलेगा? राम बोलो, त्वम चित्रम पश्यसि, रमा इसको कर्म वाक्य में बोलो, त्वम चित्रम पश्यसि। यस मैम, मैम एक बार सेंटेंस बोलिए, त्वम चित्रम पश्यसि, त्वया चित्रम दृश्यते। यस दृश्यते, वेरी गुड, त्वया चित्रम दृश्यते, वेरी गुड, शाबाश। और बोलो अहम ठीक है, लेखम लिखामि, अहम लेखम लिखामि, सृष्टि बोलो, अहम लेखम लिखामि, इसको कर्म वाचन बताओ, सृष्टि किंजल। यस मैम बोलो। अच्छा अहम लेखम लिख बदलो, किसको आ रहा है वो बदले? मया लेखम किंजल, मैम सेंटेंस रिपीट कर दीजिए। हाँ अहम लेखम लिखामि, मया लेखम लिख्यते, लेखम नहीं आएगा, किंजल बोलो क्या बोली थी? मया
मया लेखः लिखते लिखते ठीक है मया हरी समझ आया लेख जो है पाठ की तरह रूप बनेगा ठीक है लेखः पाठः पुल्लिंग है ये पहचानना है कि कौन सा लिंग है समझ में आ रहा है हरीश यस मैम हाँ तुमने सही बोला था बस लेखम कर दिया क्योंकि आपको लिंग का ज्ञान नहीं लिंग भी ज्ञान होना जरूरी है वयम ठीक है गीतम गायामः वयम गीतम गायामः अब बचना है उसी वचन में बदलना है ठीक है वयम गीतम गायामः बोलो सृष्टि और जिसको आया है वो बोलता अस्माभिः अस्माभिः गायामः अस्माभिः गीतं गीयते गायते गायन्ते मैम आपकी वॉइस अच्छे से नहीं आ रही है रियली बनेगा तो आपने बोला अस्माभिः गीतं गीयते समझ में आ गया यस मैम यस मैम देखो ये देख पा केवल गीता गीयते मैम योर वॉइस इज नॉट क्लियर आपको है ना तो कुछ प्रॉब्लम है आज अच्छा आप सुनो सीता गीता सीता गीता शृणोति सीता गीता शृणोति सीता गीता शृणोति कौन बोलेगा सीता गीता शृणोति हितेंद्र आयुषी बोलो आयुषी आयुषी चलो हितेंद्र तुम बोलो सीता गीता शृणोति यस मैम बोलो सीता का क्या होगा विद्यार्थी सयुजा सीतम यस मैम हाँ बोलो सीता गीतां शृणोति इसको कम वाच में बदलेंगे तो क्या होगा गीताया सीता सीता है मैंने हाँ सीता में लगाओ सीताया हाँ गीता अब गीता हाँ वेरी गुड अभी आपने आपको दिखाया था देखो उसकी देख लो ये देखो क्या लिखा हुआ है ये मेरा कर्सर देखो श्रुणोति का श्रूयते तो श्रूयते बोलो सीता सीताया सीताया गीता श्रुणोते श्रूयते हाँ ठीक है अच्छा ठीक वेरी गुड अब आगे फिर से एक और
एक और वाक्य, सा जलम पिबती, सा जलम पिबती, कौन बोलेगा? और पिबती का देख लो पियते होता है, ठीक है, ददाती का दियते, पिबती का पियते और गायती का गीयते, बोलो कौन बोलेगा? रामा बोलो। यस मैम। बोलो सा जलम पिबती। तया जलम पियते। वेरी गुड, शाबाश। अब देखो जिसने आंसर दिया समझ में आ रहा है, क्लैपिंग है उसको, ठीक है। आयुषी, आयुषी। यस मैम। आयुषी को समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम। समझ में आ रहा है हम कैसे चेंज कर रहे हैं? ये जो मैंने आपको, जहां से मैं आपको सिखा रही हूँ, ये आपका जो प्रत्यभिज्ञानम पाठ है उसमें दिया हुआ है, ठीक है। आप दोबारा से उसमें देख लेना, फिर आगे हम फिर करेंगे दोबारा से, ठीक है। हाँ, जैसे पिता पुत्र पितरम, पुत्र पितरम सेवते, क्योंकि सेव धातु का रूप तो आपने पद में ही बनता है, ठीक है। तो पुत्र पितरम सेवते, यदि हम इसको कर्मवाच्य में बनाएंगे तो क्या बनेगा? पुत्रेण पिता सेव्यते, सेव में य लगा देंगे, ठीक है। पुत्रेण पिता सेव्यते, समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो जो आत्मपद की धातु होती है डायरेक्ट आती है ना, उसमें हम सेवती नहीं करते, सेवती गलत होता है, सेवते होता है। तो हम जब उसको आत्मने पद में जो कर्मवाच भाववाच में बनाएंगे तो सेव्यते करते, सेव्यते, ठीक है। और भी चलो ठीक है, धातु से यह प्रत्यय लगाकर कर्म, हाँ भाववाच रह गया। भाववाच में क्या होता है, ये अकर्मक क्रिया होती है, इसमें केवल कर्ता रहता है और क्रिया रहती है। जैसे बालय हस्यते, है ना। अब हमको इसको ये भाववाच्य में दिया हुआ है, और भाववाच्य में क्या होता है कि हमेशा क्रिया एक वचन में ही रहती है, समझ में आ रहा है, क्योंकि कर्म होता ही नहीं है इसलिए एक वचन में ही रहेगी। लेकिन जब हम इसको कृतवाच्य बनाना है, मुझे बता कौन बताएगा इसका? बालही हस्यते, इसको कृतवाच्य बनाना है, कौन बोलेगा? जैसे मैं बोल रही हूँ आपको, तो इसका बनेगा कहा हसंती। अब तुम बोलो बाला ही हसती का, बोलो बाला, बाला हसती, हसंती हसंती, कृतवाच्य बना रहे ना हम, ये तो भाववाच्य में दिया है, बालहा हसंती। कृतवाच्य में तो आपको मालूम है ना कर्ता के अनुसार क्रिया आती है, जैसे रामः पठती, ठीक है। और इसमें अव्यय शब्द भी आ सकता है, अव्यय शब्द आ सकता है, कर्म नहीं होगा भाववाच्य। अभी तो जरूरत नहीं है, इतना ही काफी है, बस पहचानना होगा कि कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, कि भाववाच्य है, बाकी को पहचान में आना चाहिए। आपने पढ़ा ही है, पढ़ा है ना कत कर्तृ प्रत्यय? कत प्रत्यय कृत प्रत्यय है, यह है भूतकाल का द्योतक है, इसका प्रयोग तीनों लिंगों में होता है। इस प्रत्यय से बने शब्द विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं, ये आपको बताया हुआ है, ठीक है। जैसे ये देख लो आप, तीनों लिंगों में रूप हैं, पठितः पठिता, पठितं गतः गता, गतम दृष्टः दृष्टा, दृष्टम, ठीक है। अब ये विशेषण का भी काम करते हैं, ठीक है। तो जैसे कौन बोलेगा पुल्लिंग में,
विशेष से लगाकर। चलो सबसे पहले रामा बोलो, रामा पुल्लिंग वाले बोलो आप, पठितः गतः दृष्टः, वाक्य बना के बोलो विशेषण के रूप में। यस मैम। जैसे एक एग्जांपल, हाँ बोलो, मैं एग्जांपल दूं या आप बोलोगे? मैम आप एक एग्जांपल दे दीजिए। अच्छा ठीक है, जैसे पठितः, पठितः मीन्स पढ़ता हुआ, पठितः बालकः मध्ये गीतम अपि गायति, पठितः बालकः मध्ये मध्ये गीतम अपि गायति, समझ में आया? यस मैम। के रूप में है। अब आप गतः का बोलो, गतः, गतः माने जाता हुआ, बोलो गतः बाल, गतः बालकः मार्गे हसति। वेरी गुड, शाबाश, बहुत सुंदर। दृष्टः का कौन बोलेगा? दृष्टः का देखता हुआ या देखा गया, कौन बोलना चाहेगा? किंजल, हरीश, मेरी आवाज जा रही है, पहुंच रही है आप तक? यस मैम। दृष्टः का वाक्य बोलो, हाँ बोलो, देखा हो गया, देखा हुआ या देखता हुआ, है ना, बोलो। प्रथम करो, देखता हुआ कौन? हाँ, वृक्षान दृष्टः बालकः, वृक्षान दृष्टः बालकः गच्छति, पेड़ों को देखते हुए बालक गया। वृक्षे, पेड़ को देखते, वृक्षान दृष्टः बालकः गच्छति, गच्छति है? यस मैम, गच्छति। जैसे दृष्टः मार्गः अतीव सुंदरः अस्ति, ये भी हो सकता है ना, ठीक है। दृष्टः मार्ग, देखा गया मार्ग, अतीव सुंदरः आसीत भी कह सकते हैं, अस्ति, दोनों कह सकते हैं। देखा गया मार्ग बहुत सुंदर था या सुंदर है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो बोलो, नहीं आ रहा है तो और बताएं, ठीक है। हाँ, ऐसे ही स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग में भी आप और दूसरे शब्द भी ले सकते हैं, जैसे लिखित, लिखिता, लिखिता माने लिखती हुई, ठीक है। आयुषी, आयुषी, हाँ यस मैम, आप बोलो, लिखिता, हाँ लिखिता, लिखिता माने लिखती हुई, बोलो, कोई भी हो सकता है, कौन लिख रहा है, एक वचन में बोलना है, लिखिता। बोलो, कोशिश करो बेटा, संयोजा, संयोजा, हाँ लिखिता, हाँ लिखिता, हाँ लिखिता छात्रा, हाँ लिखिता छात्रा हसंती, एकवचन बोल रही है, बहुवचन बोल रही है, हम बहुवचन वाला छात्रा, हाँ तो फिर लिखिता हाँ करना पड़ेगा, ठीक है, उसको भी विशेषण विशेष एक ही वचन में होता है ना, एक वचन एक विभक्ति में होता है, मालूम है ना, तो लिखिता yes, छात्रः हसन्ति, सब सही हो जाए, ओके मैम। नहीं,
तो ये कह सकते लिखिता बालिका खादती। हाँ, क्यों नहीं कह सकते, देखते हुए लड़की खा रही है। और आप और भी बढ़ा सकते हैं इसको, जितना बढ़ाना चाहो, क्या खा रही है वो भी बोल सकते हैं। रोटी काम खादती, आमरम, ठीक है, आमरम खादती, वेरी गुड, भोजनम खादती, आमरम खादती, कद्दी फलम खादती, सेव फलम खादती, ठीक है, चायम पिबती, दूधम पिबती, ओके। हाँ, समझ में आ गया ना इसको विशेषण में कैसे प्रयुक्त कर सकते हैं। अभी तो आप प्रथम व्यक्ति में ही कर रहे हो, इसको चाहे तो हम किसी भी विभक्ति में कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एषः पुरस्कारः, यह पुरस्कार धावन्ते दौड़ते हुए छात्र के लिए है, तो आएगा धावते छात्राय अस्ति, छात्रा ही होता है ना, या बालक के लिए, चलो बालक के लिए, खेलते हुए बालक के लिए है, ये दौड़ते हुए, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था आपको मालूम है, कत प्रत्यय, तो ए नहीं आएगा, क्या आएगा, धावनाएं, ठीक है, धावताए, धावताए बालकाए अस्ति, एषः पुरस्कारः, ठीक है, यह पुरस्कार धावताए बालकाए अस्ति, दौड़ने वाले बच्चे के लिए है। समझ में आ रहा है रामा, हरीश? यस मैम। यस मैम, आ गया ना समझ में। हाँ, इस तरह से बना सकते हैं, किसी भी विभक्ति में बना सकते हैं, ओके। तो लगाना बस, पठिता है, पठित, फिर वो पठिते, पठिते हो जाएगा सप्तमी व्यक्ति हो जाएगी, है ना, ठीक है। चलो अब आगे इसमें और क्या है, कत्वतु प्रत्यय, आपको मालूम ही है कत और कत्वतु दोनों भूतकाल के अर्थ में आते हैं, यानी मीन्स लंग लकार के अर्थ में आते हैं, और इसका प्रयोग सदैव कर्तृवाच्य में होता है, और कत प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य में होता है। जैसे मया पुस्तकम पठितम, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, और भी त्वया इदम चित्रम दृष्टम, तुम्हारे द्वारा यह चित्र देखा गया। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ, वाच्य में भी आ जाता है, कत प्रत्यय जो होता है वो कर्मवाच्य में आता है, कर्मवाच्य या भाववाच्य में, जहाँ पे हमने आत्मनेपद की क्रिया लगाई थी वहां पे हम कत प्रत्यय का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये जो जो आपने क्रिया लगाई थी वो कौन से लकार में थी, ये पठ्यते लिखते खादते पियते गीयते सुयते, ये किस किस उसमें थी बताओ, लकार में कौन सा लकार था ये, आप देखो कौन से लकार था, विधिलिंग, लकार नहीं, विधिलिंग नहीं, चाहिए नहीं बोला हमने, देखो लट लकार, देखो आप लोट लकार, लट लकार था, नहीं लट लकार है, देखो इधर पठती लिखती खाती पीती गायती, उसी का ये बदला है, तो ये कौन सा लकार हुआ, लट लकार, ठीक है। अभी सबसे पहले हम कोई भी काल, कौन सा काल पढ़ाते हैं, मैं आपको मालूम है सिक्स में आपको पढ़ाया था, तो लट लकार ही सबसे पहले पढ़ाया था ना, है ना, यस मैम। और यदि हमें भूतकाल में, मान लो भूतकाल में यदि हमें वाच्य में प्रयोग करना है तो इसका भी होता है, लेकिन हमें यदि कत भूतकाल में दिखाना है तो हम कत प्रत्यय का प्रयोग करके उसको वाच्य में बदल सकते हैं, ठीक है। और कतवतु प्रत्यय का प्रयोग हम कर्तृवाच्य में कर सकते हैं, लेकिन भूतकाल का अर्थ आएगा, जैसे रामः पुस्तकं पठितवान, राम ने पुस्तक पढ़ी, समझ में आया, कर्तृवाच्य में रामः पुस्तकं पठितवान, छात्राः पुस्तकानि पठितवन्तः, ओके। और कोई बात बोलो, हाँ, कतवतु प्रत्यय का प्रयोग कर्तृवाच्य में होता है और कत प्रत्यय का प्रयोग
कर्मवाच्य और भाववाच्य में होता है, ये याद रखना। इसीलिए इसके साथ में दिया गया है वाच्य के साथ में। ओके, मैं किसी दिन गूगल फॉर्म बनाऊंगी तब आप उसमें इसको ध्यान रख के करना। वाच्य परिवर्तनम वही है जो मैं आपको बता रही थी, येन पितरः दर्शितः, ये कर्मवाच्य है, और यह दर्शितवान, जिन्होंने जिसने पिताओं को देखा, है ना, वो कृतवाच्य हो गया। जिनके द्वारा पिता को देखा गया वो कर्मवाच्य हो गया। ये देख लो आप, आपके सामने है कि कहां पे कृतवाच्य में कैसे वाक्य आ रहा है और कर्मवाच्य में कैसे जा रहा है। कह कके, इमम का अयम प्रथम व्यक्ति में हो गया, और गृहीतवान का कत प्रत्यय कर दिया। और थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ये आपके पेज नंबर कौन सा था, पेज नंबर 55 पर दिया हुआ है आपकी बुक में, स्टडी कर सकते हो। बच्चों आवाज नहीं आ पा रही है, आपकी आवाज नहीं है, समझिए, कोई बोलता नहीं है, समझ में आ गया वाच्य। आज आपने वाच्य पढ़ा था और आज बोलो मैम थोड़ी बहुत आ रही है डिस्टर्बेंस आपकी आवाज में, मतलब बीच 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 में कट रही है, कट रही है ना। हाँ आज कुछ गड़बड़ है, पता नहीं क्यों नेटवर्क प्रॉब्लम है। वैसे नेट तो अच्छा चल रहा है पर आवाज में ही वॉइस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। वो 10th क्लास ली थी उसमें ठीक है। तो जो भी आपने समझा उसको आप, है ना, पेज नंबर मैंने अभी आपको बताया प्रत्यभिज्ञानम, उसके सबसे लास्ट में भाषिक विस्तार में दिया है, उसमें आप फिर से पढ़ना तो आपको कत पर्वत प्रत्यय होता है। यशिका और गुणिका, हितेंद्र, हाँ यशिका बंद क्यों कर लेती हो मैं? Yes, ma'am. मैं कुछ पूछना चाह रही हूँ। हाँ हितेन बताना, तू प्रत्यय किसमें होता है, कर्तृवाच्य में या कर्मवाच्य? आवाज क्लियर नहीं है। अच्छा छोड़ो, तो फिर आज ना फिर बाद में अभी कक्षा में पूछेंगे यही बात, ठीक है। पेज नंबर 55 पढ़ के रखना, ओके। 55 ही था ना? यस मैम। हरीश? यस मैम। हाँ 55 नंबर था। हाँ 54 है, 54 को पढ़ के रखना बस। उसमें से कुछ क्वेश्चन मैं अगली कक्षा में करूंगी। अब शांति पाठ करते हैं, ठीक है। ओम शांति शांति शांति। साई राम बच्चों, साई राम मैम, ठीक है।